असलम और ला बरकातहू आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं सैयद राशिद मौलिम गवर्नमेंट हाई स्कूल बगदल बीदर आप तमाम तलबा व तालिबात और अज़ीज़ नाजरेन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ खुश आमदी प्यारे तलबा व तालिबात आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात करूँगा उम्मीद है कि आप इसके सही जवाब देने की कोशिश करेंगे सवाल नसरी अदब की मकबूल सिंह का नाम बताइए जी कोशिश कीजिए बताइए जवाब नसरी अदब की मकबूल सिंह का नाम अफसाना है बिल्कुल सही जवाब और एक सवाल देखिए कुछ असनाप सुखन के नाम बताइए कोशिश कीजिए आपने पढ़ा है पिछली क्लासों में पिछली जमात में जी बताइए हमद बिल्कुल सही जवाब और आप बताइए नात बिल्कुल सही जवाब शाबाश और कौन कोशिश करेंगे आप कोशिश कीजिए जी आप बताइए मरसिया सही जवाब और और कौन बताएंगे जी आप बताइए रुबाई बिल्कुल सही जवाब शाबाश आप लोगों ने बड़े अच्छे जवाब दीजिए फिर एक सवाल इस तरीके से देखिए उर्दू शायरी की प्यारे बच्चों आज की जमात में हम गजल पढ़ेंगे सबक नंबर नौ गज़लें हिस्से अलेप सबका नंबर बासठ खोलिए और सबसे पहले हम असगर गुंडवी की तस्वीर को देखते हैं यह है शायर असगर गोंडवी। आज हम असगर गोंडवी की लिखी हुई गजल पढ़ेंगे और अब हम असगर गोंडवी का सबसे पहले तारुक देखेंगे तख्लीकार नाम असगर हुसैन तखल्लुस असगर गोंडवी, पैदाइश अठारह सौ चौपन ईस्वी गोरखपुर में पैदा हुए प्यारे तलबा ये जो आप नक्शा देख रहे हैं हिंदुस्तान का इसमें जिस कलर जिस रियासत को कलर किया गया है वो है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश रियासत में असगर गोंडवी अठारह ईसवी ईस्वी को गोरखपुर में पैदा हुई जो आप नक्शा देख रहे हैं ये गोरखपुर का है फिर इसके बाद वफात 1936 ईसवी छत्तीस ईस्वी अलाहाबाद में हुई उन्होंने इब्तदाई तलीम व तरबियत के बाद अंग्रेज़ी मदारस में भी चंद दिन तलीम हासिल की जिसकी वजह से इनमें अंग्रेज़ी कुतुबीनी से लुफ़ उठाने की सलाहियत पैदा हो गई थी यही हाल अरबी व फ़ारसी का भी था इनमें अदबी काबिलियत इनके अपने जाती, मुतल और गौर वफ़िक्र का नतीजा थी इनके वाल अरसे तक अपनी मुलाजमत के सिलसिले में गोंडा में अपने अहल अयाल के साथ रहे जिसकी वजह से असगर असगर गोंडवी कहलाए असगर अरसे तक हिंदुस्तानी एकेडमी के रिसाला हिंदुस्तान के एडिटर रहे इनका दीवान निशात रूप के नाम से शाया हुआ है ये है निशात रूह इनका दीवान जो शाया हुआ है प्यारे तलबा प्यारे तलबा यह था असगर गोंडवी का तारुफ आइए अब हम असगर गोंडवी के तारुफ पर एक सरगर्मी करेंगे सरगर्मी इस तरीके से है मंदरजैल खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए नंबर एक असगर गोंडवी की पैदाइश डियाश में हुई सवाल नंबर दो असगर अरसे तक हिंदुस्तानी एकेडमी के रिसाले डैश के एडिटर रहे सवाल नंबर तीन असगर का दीवान डैश के नाम से शाया हुआ सवाल नंबर चार असगर की वफात डैश में हुई जी कौन बताएँगे कोशिश कीजिए और बारी बारी से जवाब दीजिए सबसे पहला सवाल असगर गोंडवी की पैदाइश डियाश में हुई कब हुई जी आप बताइए अठारह ईस्वी में हुई शाबाश बिल्कुल सही जवाब सवाल नंबर दो अजगर अरसे तक हिंदुस्तानी एकेडमी के रिसाले डियाश के एडिटर रहे किसके एडिटर है असगर गोंडवी जी जी बताइए हिंदुस्तान बिल्कुल सही जवाब हिंदुस्तान के हिंदुस्तान रिसाले के एडिटर रहे तीसरा असगर का दीवान डैश के नाम से शाया हुआ किसके नाम से शाया हुआ जी आप बताइए निशाह रू के नाम से शाया हुआ बिल्कुल सही जवाब चौथा असगर की वफात डैश में हुई कब हुई जी आप बताइए उन्नीस सौ छत्तीस ईस्वी में असगर की वफात हुई शाबाश प्यारे तलबा आप लोगों ने इस सरगर्मी को बड़े अच्छे अंदाज़ में मुकम्मल किया आइए प्यारे तलबा अब मैं गज़ल की बुलंद खानी करूँगा आप लोग खामोशी के साथ समाध फरमाइए सबसे पहले हम मतला देखेंगे ये इश्क ने देखा है ये अकल से पिन्ह है ख़तरे में समंदर है जर्रे में बयाबा है दूसरा शेर सौ बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया जब आंख खुली देखा अपना ही गिरेबाँ है बच हुसन तयन से जाहिर हो जाहिर हो कि बातिन हो यह क़ैद नज़र की है वो फिक्र का जिंदा है आगोश में साहिल के क्या लुत्फ सुकून उसको ये जान अजल ही से परवरदे तूफ़ा है आखिरी शेर मख्ता देखिए, अजगर से मिले लेकिन अजगर को नहीं देखा अशार में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमाया है प्यारे तलबा ये थी असगर गोंडवी की लिखी हुई गजल आइए आज की गजल में इस्तेमाल हुए अल्फाज के माने जानेंगे पिन्हा यानि पोशीदा छुपा हुआ बयाबा रेगिस्तान जंगल वीराना दामन आंचल पल्लो जिंदा यानि जेल कैद खाना जिंदान यानि जेल कैद खाना बातिन बातिन यानी अंदरूनी हिस्सा नुमाइया यानी नमोदार होने वाला जाहिर गिरेबा यानि पोशाक का वो हिस्सा जो गले के नीचे हो अजल यानि शुरू इब्तदा वो जमाना जिसकी कोई इब्तदा ना हो प्यारे तलबा ये थे अल्फाज माने आइए अब हम इस गज़ल के काफ़ी अल्फाज मालूम करेंगे इस गज़ल में जो इस्तेमाल हुए हैं काफ़ी, उन्हें जानेंगे काफ़ी इस तरीके से हैं पिनहा, बयाबा, गिरेबा, जिंदा तूफ़ा नुमाया ये है हम खाफ अल्फाज जो असगर गोडवी की गज़ल में इस्तेमाल हुए हैं खाफे के बाद जो लफ्ज़ आता है वो रदीफ होता है इसका रदीफ़ देखेंगे इसका रदीफ़ है है यानी वो लफ्ज़ जो बार बार दोहराया जाता है गज़ल में खाफ़े के बाद आता है प्यारे तलबा आइए इसी गज़ल को दर्ज और के साथ सुनते हैं और गजल का लुत्फ उठाते हैं ये इश्क़ ने देखा है ये पिन्ह है खतरे में समंदरी है जरे में बयाबा है देखा है ये अकल से पिन्ह है खतरे में समंदर है जर्रे में बयाबा है सौ बार तेरा हाथों में मेरे इश्क ने देखा है ये अकल से पिन्हा है खतरे में समंदर है जरे में बयाबा है बच्चों सुनता उनसे ज़ाहिर हो के बाद क़ैद नजर की है वो फिक्र का जिंदा है आगोश में साहिल के क्या लुत्फ सुकून उसको ये जाने अजल ही से परवर तूफान है, असगर से मिले ले। असगर को नहीं देखा अश्यारों में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमाया है ये ने देखा है ये अखल से पिन्ह है खतरे में समंदरी है जर्रे में बयाबा है अब हम इस गजल की तशरी करेंगे सबसे पहला शेर ये इश्क ने देखा है ये अकल से पिना है खतरे में समंदर है जर्रे में बयाबा है इसकी तश्रह देखिए इस शेर में शायर असगर गोंडवी कह रहे हैं कि खतरे में समंदर और जर्रे में बयाबा सिर्फ़ आशिक का इश्क ही देखता है जो अख़ल से बिल्कुल पोशीदा होता है जिस शख़्स को इश्क़ हो जाए वो ख़तरा और जर्रे के ज़रिए भी अपनी मोहब्बत को तलाश कर लेता है दूसरा शेर देखेंगे सौ बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया जब आंख खुली देखा अपना ही गिरे आइए इसकी तशरी देखेंगे इस शेर में शायर असगर गोनवी कह रहे हैं कि इनके हाथों में अपने रफीक का सौ बार दामन आया लेकिन जब आंख खुली तो देखा कि शायर ने जिसके लिए सौ बार दामन थामा था आज खुद का गिरेबा ही अपने हाथ में है तीसरे शेर की देखेंगे तीसरा शेर देखेंगे बच हुसन तयन से ज़ाहिर हो कि बातिन हो यह कैद नज़र की है वो फिक्र का जिंदा है इसकी तशरी देखिए इस शेर में शायर असगर गोंडवी कह रहे हैं कि हर शख़्स को जाहिर और बातिन के हसन तय से बचना चाहिए क्योंकि जो शख्स नज़र के क़ैद में मुब्तला होता है इसकी नज़र सिर्फ़ हसन तय पर ही पड़ती है और वो फ़िक्र का क़ैदी बनकर रह जाता है चौथा शेर देखेंगे आगोश में साहिल के क्या लुत्फ सुकून उसको ये जान अजल ही से परवरदे तूफान है आइए इस शेर की तशरी देखेंगे इस शेर में शायर असगर गुणवी कह रहे हैं कि उस शख्स को साहिल के आगोश में क्या लुफ्फ मैसर आएगा जो अजल से ही तूफ़ानों का दिल दाता हो जिसकी परवरिश ही तूफानों में हुई हो वो साहिल के आगोश में क्या अंदोस होगा यानी, जिसकी परवरिश नागज़ीर हालात में हुई हो वो आयश आराम की ज़िंदगी से अंदोस नहीं हो सकता आइए अब हम आखिरी शेर मकता देखेंगे अजगर से मिले लेकिन अजगर को नहीं देखा अशार में सुनते हैं कुछ कुछ व है इस शेर की तशी जानेंगे इस शेर में शायर असगर गी ख़ुद अपने आप से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि असगर से मिलकर भी लोग असगर को नहीं देखने का नहीं देखने और जानने का शिकवा करते हैं क्योंकि असगर अपने अशार में नुमायाँ होता है जब लोग असगर के अशार सुनते हैं तो कहते हैं कि वो कुछ कुछ ज़ाहिर हो रहा है तो प्यारे तलबा ये थी आज के गज़ल के अशार की तशरी आइए प्यारे तलबा इस गज़ल के एक जुमले के में जवाब दीजिए सवाल देखिए अकल से पिन्हा चीज़ को किसने देखा है जी बताइए कोशिश कीजिए आप बताइए जवाब अकल से पिन्हा चीज़ को इश्क ने देखा है बिल्कुल सही जवाब सवाल नंबर दो देखिए इश्क ने जर्रे और ख़तरे में क्या क्या देखा कौन बताएंगे जी आप बताइए जवाब देखिए इश्क ने जर्रे में बयाबा और ख़तरे में समंदर देखा सवाल नंबर तीन शायर ने ख्वाब में किस का दामन बार थामा कौन बताएँगे आप बताइए शायर ने ख्वाब में ख़ुद अपना दामन बार थामा सवाल नंबर चार शायर हुसन तयून से कब बचने की बात कह रहा है जी कोशिश कीजिए कौन देंगे इसका जवाब आप दीजिए जवाब शायर हुसन तयून खा वाहिरी हो के बातनी हो हर कदम पर बचने की बात कह रहा है बिल्कुल सही जवाब सवाल नंबर पाँच साहिल के आगोश में शायर को किस लिए सुकून मैसर नहीं जी कौन बोलेंगे आप बताएंगे? जी बताइए बताएं। जवाब साहिल के आगो साहिल के आगोश में शायर को इसलिए सुकून मैसर नहीं क्योंकि शायर शुरू से ही तूफानों से लड़ने का आदि है प्यारे तलबा ये थे एक जुमले सवाल के जवाब आइए अब हम एक और एक सरगर्मी करेंगे दर्ज झैल मिस्रों को मुकम्मल कीजिए नंबर एक खतरे में समंदर है जर्रे में डॉश है दूसरा यह क़ैद नजर की है वो फिक्र का ड्याश है तीसरा ड्याश में साहिल के क्या लुत्फ सकूँ उसको चौथा ड्याश में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमाइयां हैं प्यारे तलबा जी दर्जे झैल मिस्रों को मुकम्मल करना है और आपको जवाब देना है कौन इसका जवाब देंगे ख़तरे में समंदर है जर्रे में ड्याश है ज़र्रे में क्या है सही जवाब जर्रे में बयाबा है दूसरा देखिए मिसरा यह क़ैद नज़र की है वो फिक्र का डिया है मुकम्मिल कीजिए इस मिसरे को कौन मुकम्मिल करेंगे आप मुकम्मल करिए जी बिल्कुल सही जिंदा यह क़ैद नज़र की है वो फिक्र का जिंदा है तीसरा मिसरा देखिए डैश में साहिल के क्या लुत्फ सुकू उसको जवाब दीजिए कौन देंगे इसका जवाब आप दीजिए जी बिल्कुल तो सही जवाब आगोश में साहिल के क्या लुत्फ सुकूं उसको चौथा मिसरा है डैश में सुनते हैं कुछ कुछ वह नुमाया कौन नुमायाँ हैं कुछ कुछ जी बिल्कुल सही जवाब जवाबार में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमायाँ हैं अजगर कुछ कुछ अपने शार में नुमायाँ हैं प्यारे तलबा ये सरगर्मी को भी आपने बड़े ही अच्छे अंदाज में मुकम्मल किया शाबाश आइए ख़ाली जगहों में हरूफ ने मई का की से को के इस्तेमाल से कीजिए सवाल देखिए प्यारे तलबा आइए इन मिसरों को आपको मुकम्मिल करना है यह इश्क ड्याश देखा है यह अखल ड्याश पिन्हा है जी सवाल नंबर दो देखिए यह कैद यह ख़ैद नज़र ड्याश है वो फिक्र डाश ज़िंदा है तीसरा मिसरा देखिए तीसरा मिसरा है असगर डैश मिले लेकिन असगर डैश नहीं देखा चौथा मिसरा है आगोश डैश साहिल के क्या लुत्फ सुकून उसको इन खाली जगहों में आपको जो गुरफ दिए गए हैं उस इस्तेमाल करते हुए पुर करना है कोशिश करना है और एक एक बारी बारी से जवाब देना है जी कौन बताएंगे नंबर एक पहला मिसरा ये इश्क ने देखा है ये अकल से पिन्हा है बिल्कुल सही जवाब दूसरा मिसरा कौन बताएंगे जी आप बताइए ये क़ैद नज़र है ये क़़ैद नज़र की है वो फ़िक्र का जिंदा है बिल्कुल सही जवाब तीसरा मिसरा देखिए असगर से मिले लेकिन असगर को नहीं देखा सही जवाब चौथा मिश्रा बताइए जी आप बताइए आगोश में साहिल के क्या लुत्फ सुकूँ उसको शाबाश बहुत हो प्यारे तलबा ये सरगर्मी को भी आपने बड़े ही मौसर अंदाज़ में मुकम्मल किया है आइए प्यारे तलबा आइए अब हम वो बलागत देखेंगे जो इस गज़ल में इस्तेमाल हुए हैं सबसे पहले है बच खसन तय से ज़ाहिर हो कि बातिन हो या क़ैद नज़र की है वो फ़िक्र का जिंदा है मंदरजे बाला शेर में जाहिर और बातिन मतजाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं शेर की ऐसी खसूसियत को जिसमें मतजाद अल्फाज इस्तेमाल हुए इस्तेमाल होते हैं इसे सनत तजा या तबाक कहते हैं प्यारे तलबा इससे आपको मालूम होता है कि इस शेर में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उसमें जाहिर और बातिन मतजा अल्फाज है यानि शेर की ऐसी खुस्य, ऐसी खसूसियत जिसमें मतजाद अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इसे सनत तजा या तबाक कहते हैं असगर से मिले लेकिन अजगर को नहीं देखा अशार में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमाया है मंदरजे बाला शेर में लफ्ज़ कुछ दोहराया गया है ऐसा शेर जिसमें एक ही लफ्ज़ को दोहराया जाता है उसे सनत तकरार या सनत तकरीर कहा जाता है जैसे कुछ कुछ देखिए आप इस शेर को पढ़िए अजगर से मिले लेकिन अजगर को नहीं देखा अशार में सुनते हैं कुछ कुछ वो नुमायाँ हैं तो ऐसा लफ्ज़ जो दोहराया जाता है उस उसको हम सनत तकरार या सनत तकरीर कहते हैं प्यारे तलबा आइए इस कवायद के ऊपर हम एक सरगर्मी करेंगे जैल में हर सवाल के चार मुतबादल दर्ज हैं मुनासिब जवाब का इंतब करें और बताइए सवाल देखिए कलाम में मतजाद अलफा इस्तेमाल किए जाए तो वो सनत कहलाती है अलीफ सनत तलमी बे सनत तकरार जीम सनत तजाद दाल सनत तशबिया ये चार जवाब आपके सामने ये चार मुतबाद जवाब आपके सामने मौजूद हैं आपको पहचानना है उसका जवाब देना है कौन देंगे इसका जवाब जी आप बताइए बिल्कुल सही जवाब इसका जवाब है सनत तजाद कलाम में मुतजाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाए तो वो सनत वो सनत तजाद कहलाती है इसका जवाब है जीम सनत तजाद बिल्कुल सही जवाब शाबाश सवाल नंबर दो देखिए सनत तजाद का एक और नाम है अलीफ़ सनत बे सनते तबाख जीम सनत तबा दाल सनत इतबा जी आपको चार मुतबाद जवाब दिए गए हैं इसमें सही लफ्ज़ और सही जवाब को आपको पहचानना है कौन पहचानेंगे जी आप बताइए बिल्कुल सही जवाब इसका जवाब है अलीब सनत तबाख़ तोय बे अलीब खाफ सनत तजात का एक और नाम सनत तजात का एक और नाम सनत तबाख़ है बिल्कुल सही जवाब शाबाश प्यारे तलबा जैल में हर सवाल के चार मुतादल दर्ज हैं मुनासिब जवाब का इंतखब करिए सवाल देखिए किसी शेर में एक ही लफ्स को बार बार दोहराना कहलाता है जी इसके मुतबाद देखिए नंबर एक अलीफ सनत तकरार बे सनत तलमी जीम सनत तजाद दाल सनत तशबीर कौन इसका जवाब देंगे जी आप बताइए बिल्कुल सही जवाब सनत तकरार अलीब सनत तकरार यानी किसी शेर में एक ही लफ्स को बार बार दोहराना सनत तकरार कहलाता है शाबाश सवाल नंबर चार देखिए बच हुसन तय से जाहिर हो के बातिन हो इसके मतबाद देखिए सवाल नंबर चार देखिए बच हुस्ने तयम से ज़ाहिर हो के बातिन हो ये कैद नज़र की है वो फिक्र का जिंदा है इसके मतबाद देखिए दर्जे बाला शेर में इस सनत को लाया गया है अलिफ सनत तकरार बे सनत इस्तारा जीम सनत तशबिया दाल सनत तजात जी बताइए चार मुतबादिल आपके पास मौजूद है इसमें से सही जवाब बताइए कौन बताएंगे जी आप बताइए बिल्कुल सही जवाब दाल सनत तज़ात यानि बच उसने तयम से जाहिर हो कि बातिन हो यह खैर नज़र की है वो फ़िक्र का जिंदा है इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई यानी सनत तजाद इस्तेमाल हुई उसकी वजह यह है कि जाहिर और बातिन मुतजाद अल्फाज हैं शाबाश बहुत खूब प्यारे तलबा आइए आज की जमात का अखता से पहले मैं आपको घर का काम दूंगा आप इसे मुकम्मल करना है और अपने उस्ताद मुल्लिम या मलिमा को बताना है घर का काम देखिए असगर गोणवी की लिखी हुई इस गजल के मंदरजैल अल्फाज की जिद बनाइए अल्फाज देखिए अजल ज़ाहिर पिनहा जिंदा बयाबा दामन प्यारे तलबा ये अल्फाज आपको दिए गए हैं आप इन इसकी जिद बनाना है और अपने उस्ताद को बताना है इसी के साथ आज की इस क्लास का अख्ताम होता है मैं सैयद राशिद आपसे इजाज़त लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि अगली क्लास में फिर आपसे मेरी मुलाकात होगी खुदा हाफ़